हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो है लेसन प्लान देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है एयर का, बट आज हम एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उस पर किस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन क्वेश्चन बनाना है और क्वेश्चन पुटअप्स करने हैं, ये आज मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो मैंने इसका जो लेसन प्लान है एयर, इस टॉपिक का लेसन प्लान मैंने जो है ऑलरेडी बना चुका है और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बट आज हम लोग देखेंगे कि जो एटमॉस्फेयर के जो लेयर्स हैं, जितने भी लेयर्स हैं उसके ऊपर हम अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमें किस तरीके से जो है क्वेश्चन पुटअप्स करने हैं। तो ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट किया था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जो है मुझे इसका जो है आंसर देना कुछ ठीक नहीं लगा, इसीलिए मैं इसके लिए वीडियो ही बना के लेके आई हूँ। तो अगर आप लोग को जो है ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल होगी तो आप प्लीज़ मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब कर दीजिए और जो है नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, उस पर हमें क्वेश्चन कैसे बनाने हैं। तो देखिए, ये जो है क्लास सेवेंथ के लिए जो SST का जो सब्जेक्ट है उसका फोर्थ चैप्टर एयर, उसी का जो है सब टॉपिक पे बनेगा एटमॉस्फेरिक लेयर। तो सबसे पहली बात तो हमें ये मानते हुए चलना है कि बच्चों को जो है एटमॉस्फेयर के बारे में पहले ही पता है, क्योंकि अगर बच्चों को एटमॉस्फेयर के बारे में नहीं पता है तो फिर हमें एटमॉस्फेरिक लेयर पढ़ाने का कोई भी मतलब नहीं है। इसीलिए, और वैसे भी जो क्लास सिक्स है, क्लास सिक्स में उन लोगों ने एटमॉस्फेयर के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुका है एटमॉस्फेयर के बारे में, इसीलिए जो है हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम बच्चों से ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर, या तो एटमॉस्फेयर के बारे में बताओ। अब देखिए, बच्चे जो हैं उन वो तो एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ चुके हैं सिक्स क्लास में, तो इसीलिए हमको इस जो ये क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, क्योंकि हमें वैसे ही क्वेश्चन पूछने होते हैं जो बच्चों को आ जाए। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेयर, या तो आप एटमॉस्फेयर के बारे में हम थोड़ा सा बताओ। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, उनको जितना भी आता है वो बताने की कोशिश करेंगे। फिर हम ऐसे पूछ सकते हैं सेकंड क्वेश्चन कि एटमॉस्फेयर में, जो हमारे एटमॉस्फेयर में, इसमें कौन कौन सी गैसेज होती हैं। तो इसका भी जो जवाब है स्टूडेंट्स देने की कोशिश करेगा, जो भी बता सकते हैं वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जो भी वो बता सकते हैं वो बताएंगे अपने हिसाब से। थर्ड क्वेश्चन जो हमें पुटअप करना है, हम इस तरीके से पुटअप कर सकते हैं कि जो ये एटमॉस्फेयर है इसका क्या एडवांटेज है, और अगर ये ना हो तो उससे क्या जो है अफेक्ट पड़ता है। तो वो बच्चे क्या बताएंगे, अपनी तरह से बताने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या रोल है और इसका क्या एडवांटेज है और इससे हमें क्या मतलब जो है, हमें इससे क्या फ़ायदा है एटमॉस्फेयर, वो बताने की अपने तरीके से कोशिश करेंगे। जो बच्चे हैं अपने तरीके से इसको बताने की कोशिश करेंगे। तो इतना कुछ जब हम जान लेते हैं कि बच्चे जो हैं इतना जानते हैं बच्चे इस बारे में, इतना बेसिक नॉलेज जो है स्टूडेंट्स को है, तो फिर हम अपना लास्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हमारा जो एटमॉस्फेरिक लेयर है अगर हम पूछ रहे हैं तो ऑब्वियसली बच्चे को अगर एटमॉस्फेयर के बारे में पता है तभी हम जो है एटमॉस्फेरिक लेयर के बारे में पूछेंगे। लास्ट क्वेश्चन हम ऐसे पूछ सकते हैं कि क्या आप एटमॉस्फेयर की लेयर के बारे में जानते हैं, या तो आप ऐसे पूछ सकते हैं कि एटमॉस्फेयर के कितने लेयर्स होते हैं। तो बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, फिर हमें जो है बच्चों से बोलना है कि आज मैं आपको एटमॉस्फेरिक लेयर के बारे में पढ़ाऊंगी। तो देखिए, इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस पूछना है बच्चों को। और मैंने वैसे भी जो है इंट्रोडक्शन जो स्किल्स है उस पर भी मैंने जो है वीडियो बना चुकी है, आप देख सकते हैं वहाँ से कि हमको जब हम बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। आप मेरे जो चैनल पर चेक कर सकते हैं, माइक्रो टीचिंग के सभी स्किल्स जो हैं मैंने अपने जो चैनल पर डाल दिए हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन पूछना है, इजी से हार्ड क्वेश्चन पूछना है। तो आई थिंक ये वीडियो भी आपको पसंद आई हो, और अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है, या तो अगर आप भी चाहते हैं कुछ
मुझसे क्वेश्चन करना तो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी और हो सके तो वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगी। तो अगर आपको आज का जो है मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे जो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।